एशिया कप 2022 पाकिस्तानी स्क्वाड में बड़ी तब्दीली। शोएब मलिक का लेटेस्ट इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा, पाकिस्तानी टीम में कब वापस आ रहे हैं और इफ्तिखार अहमद को कैसे निकाला जा रहा है टीम से और इनकी जगह ये कैसे आ रहे हैं, ये तमाम न्यूज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर मलिक को आप सपोर्ट करते हैं तो इनके लिए एक लाइक बनता है और एशिया कप लाइव देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब का बटन लाजमी बनता है। देखिए, जब पहले एशिया कप 2022 स्क्वाड का ऐलान किया गया था तो उसमें मलिक को शामिल नहीं किया गया और बहुत ज़्यादा फैंस ने तनकीद का निशाना बनाया था और कहा था कि अगर इफ्तिखार अहमद इनसे बेहतर होते तो आप उनको शामिल करते। बॉलिंग ये बेहतर करते हैं, बैटिंग ये बेहतर करते हैं, फील्डिंग इनकी बेहतरीन है, थ्री डायमेंशनल प्लेयर हैं, हर लिहाज से इनकी जगह बनती है टीम में। सो ये चीज़ नोट कर रहा था PCB यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ये तमाम न्यूज़ बहुत ज़्यादा असर की। अब लेटेस्ट न्यूज़ सामने आई है जिसमें शोएब मलिक ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि इफ़ बाबर आजम एंड पाकिस्तान नीड माय सर्विसेज देन आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर द टीम। इन्होंने कहा कि अगर बाबर आजम और पाकिस्तानी टीम को मेरी ज़रूरत है तो मैं अवेलेबल हूँ पाकिस्तानी टीम के लिए। ये शोएब मलिक का अभी ताज़ा तरीन इंटरव्यू सामने आया जिसमें उन्होंने ऐलान कर दिया कि ये पाकिस्तानी टीम के लिए अवेलेबल हैं, किसी भी टाइम ये पहुंच सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस पूरी है, इन्होंने फुल अपनी तैयारी कर रखी है, हर लिहाज से ये फिट है, इनकी फिटनेस इम्प्रूव है पहले से, क्या इनको शामिल कर लेना चाहिए इफ्तिखार अहमद की जगह, क्या इफ्तिखार अहमद से बेहतर है शोएब मलिक, कमेंट्स में लाजमी बताइएगा।